नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। चुनाव का ऐलान हो चुका है, लोकसभा चुनाव की तारीखें सामने आ चुकी है। देश में 7 चरणों में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 3 चरणों में वोटिंग होगी, लेकिन कहां पर वोटिंग, कब होगी, कितनी सीटों पर वोटिंग होगी, ये तमाम चीजें आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ के पहले चरण की बात करें तो 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा सीट बस्तर से, अधिसूचना 20 मार्च को होगा। नामांकन की आखिरी तिथि 27 मार्च को होगी। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगा। वहीं नाम वापसी 30 मार्च को होगी। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा सीट कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद में होगा। अधिसूचना 28 मार्च को होगी। नामांकन की आखिरी तिथि 4 अप्रैल। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगा। वहीं नाम वापसी 8 अप्रैल को होगा। छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण की बात करें तो 7 मई को मतदान होगा। लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग, सरगुजा में होगा। अधिसूचना अप्रैल को होगा। नामांकन की आखिरी तिथि 19 अप्रैल को होगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों में सामान्य वर्ग के लिए 6, एसटी के लिए 4 और एसएससी वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित है। प्रदेश में वोटिंग के लिए 24,109 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में 2.5 करोड़ से ज्यादा मतदान रजिस्टर्ड हैं। पिछले 5 साल में 15,96,000 दाताओं की बढ़ोतरी हुई है। इनमें 7,41,942 पुरुष और 11,26,505 महिला मतदाता बने हैं। 1,60,955 दिव्यांग मतदाता हैं। प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश में महिला वोटर्स की संख्या कुल 1,03,32,115 है। राज्य में महिला मतदाताओं का जेंडर रेशियो पुरुषों से अधिक है। यहाँ 1,000 पुरुष वोटर पर 1,015 महिला मतदाता है। प्रदेश के दोनों दलों ने चुनाव को लेकर तैयार है। एक तरफ जहां बीजेपी ने प्रदेश की सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो अब मतदाता की बारी है। मतदाता क्या फैसला करेगा, इसके लिए 4 जून जिस दिन रिजल्ट आएगा तब तक इंतजार करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। छत्तीसगढ़ के डिप्यूटी सीएम ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि बीजेपी की तैयारी पूरी है। छत्तीसगढ़ के प्रखर वक्ता और तेज तर्रार नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। बात करेंगे किस तरह से तैयारी यहाँ पूरा लेकर के। तैयारी तो भाजपा सदैव करती है, मतलब 8 काल 12 महीना होता है। चुनाव के समय पढ़ने वाले, परीक्षा के समय पढ़ने वाले नहीं है भाई, हम लोग साल भर पढ़ने वाले लोग हैं। भाजपा के संगठन की गति बहुत अधिक है और अब चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद भी लक्ष्य बांध कर काम करेंगे, 11 की 11 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, ये लगातार आप लोग शुरू से दावा कर रहे हैं कि 11 के 11 सीटों पर जीत तय होगी। जिस तरह से महतारी वंदन योजना का प्रतिसाद मिला, कांग्रेस ने भी 1 लाख देने का घोषणा किया है, क्या लगता है कि मोदी की गारंटी इस पर भी पूरी तरह कामयाब होगी? भैया ऐसी ही अनेक घोषणाएं उन्होंने पिछली बार भी की थी, पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी जनता ने विश्वास नहीं किया। अभी भी पिछले विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने तो 15,000 रुपया प्रतिमाह प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, भाजपा ने तो 12,000 रुपये ही कहा था, लेकिन आम जनता ने, माताओं बहनों ने भाजपा का विश्वास किया जी। तो विश्वास तो होना चाहिए भाई, कोई चौराहे पर चौक रास्ता चलते कुछ भी बोल दे तो कैसे होगा। जो सरकार बनाने वाली पार्टी होती है उसके उस पर विश्वास के साथ जनता मतदान करती है। ये दावा कर रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी और कह रहे हैं अगर देश में डंका बजा है तो मोदी जी का बजा है और इसीलिए छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों पर जीत है वो तय होगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है, नए बदलाव के साथ देश में नई सरकार बनेगी। सुनिए क्या कहा। लोकतंत्र के महापर्व में एक
बिगुल बज चुका है और आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में चुनाव होना है और लोकतंत्र की इस महापर्व में इस समय नए बदलाव के साथ देश में नई सरकार बनेगी और एक किसान युवा माता बहनों में एक नई क्रांति आएगी। तो निश्चित रूप से और हमारे जो घोषित हुए 6 प्रत्याशी उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की सभी 11 की 11 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार कोरबा और बस्तर की सीट भाजपा हार गई थी, लेकिन इस बार उन दोनों सीटों पर जीत होगी। दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जीत के प्रति आश्वस्त होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी। पिछले बार कोरबा और बस्तर दो सीट बीजेपी हारी थी, कितना एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर? देखिए, जो एक्सरसाइज है वो हम कर रहे हैं और निश्चित तौर से मानिए कि इस बार पूरे 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी। आप वन विभाग के भी मंत्री। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवार ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी पर धर्म की सियासत करने के आरोप लगाए। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए प्रदेश की सभी सीटें जीतने का दावा किया है। मैं नहीं लेना चाहिए, वो हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है और उसको चुनावी मुद्दा कभी भी नहीं बनाना चाहिए। ये मेरा विनम्र मानना है क्योंकि मैं स्वयं रामायण मन से जुड़ा व्यक्ति हूँ। रामायण के व्याख्याकार के रूप में मैंने काफी लंबा समय गुजारा है। लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी? कांग्रेस तो कहीं है नहीं मैदान में, बताइए। भाजपा की कार्यकर्ताओं की बैठक हो चुकी है, 18 तारीख को धमतरी जिले का सम्मेलन है, जी पुरुष का कल परसों सम्मेलन हो गया 11 तारीख को, तो पूरे जिले के तीनों सीटों की सम्मेलन की तिथि तय है। वो कांकेर लोकसभा में आए तो इस बार माने 11 की 11 कोई डाउट ही नहीं है उसमें, कांग्रेस के ही मैदान में है, नहीं डाउट ही नहीं है, मतलब उसमें प्रश्न ही नहीं बनता। आप अभी से लिखना बोलना शुरू कर दो 11 है। तो आप सुन रहे हैं प्रतिक्रियाएं जो नेताओं की सामने आ रही हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि लगातार दूसरी बार भी बदलाव देखने को मिलेगा और साथ ही इस बार कांग्रेस की तैयारी पूरी है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जिन सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी, जिन दो सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई थी, वो भी इस बार हम जीतेंगे। 2019 की भी आपको याद दिला देते हैं सीटें। 2019 में छत्तीसगढ़ में 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब इसको लेकर सियासत हो रही है, बीजेपी भी अब दावा कर रही है कि वो जीतेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी यही दावा कर रही है कि वो जीतेगी, लेकिन ये देखना होगा कि आखिर 4 जून को क्या होंगे। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, लगातार राजनीतिक दल तो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि तैयारी कितनी है किसकी? अभी तक तो पूरे पत्ते भी राजनीतिक दलों ने नहीं खोले हैं और जीत का दावा। युगल, पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है, ग्राउंड स्तर पर भी उनकी तैयारी व्यापक तरीके से चल रही है। कांग्रेस का 50-50 है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उनके आधे से अधिक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, घोषणा नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस अभी पशुपेश में है। लेकिन इस बीच जनता है, जो लोग हैं वो कितने तैयार हैं मतदान करने के लिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे चुनाव सर पर है, किस तरह से आप लोग तैयार हैं मतदान करने? हम लोग बहुत अच्छी तरह तैयार हैं और पहले से हम लोग तैयार करके रखे हैं, विधानसभा से तैयार करके रखे हैं और आगे भी और करते जाएंगे। राजनीतिक दलों की तैयारी तो पूरी दिख रही है, आप किस चुन सकते हैं? हमने हमको जो अपना छत्र छाया किया है, जो दुनिया में इतने सालों से नहीं हो रहा था, वो लोगों को सामने में दिखा रहे हैं, तो वही आपने आगे आएगा। जी बिल्कुल, देखिए सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं होटल पर, सर आएंगे थोड़ा सा, चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। ये बताइए, राजनीतिक दल के लोग तो तैयार हैं, आप लोग बताता हैं कितने तैयार हैं? हम लोग पूरे जोश से तैयार हैं और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से इस बार चुनाव में वोट डालने के लिए और ज्यादा तैयार है। जी क्या लगता है अभी का माहौल क्या कहता है? अब की बार 400 के पार। आप भी कहीं पार्टी के तो नहीं है? पार्टी के तो नहीं है, पर उसके बाद भी क्या है, राम मंदिर का उद्घाटन सबसे बड़ा फैक्टर है इस बार चुनाव का, असर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल असर करेगा। जय जय श्री राम।
जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग हैं, युवा लोग भी हैं, हम बात करेंगे। सर चुनाव को लेकर के कितने आप लोग तैयार हैं? सर 200% तैयार हैं, सारे युवा जोश में हैं, हम सब मिल के बहुत अच्छी सरकार का निर्माण भी करवा सकते हैं और अच्छे से देश को चलवा भी सकते हैं। क्या लगता है अभी जो रुझान है, हालांकि कांग्रेस ने तो छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों को, पूरे प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, बीजेपी ने कर दिया है, तो क्या स्थिति लग रही है आपको? सर दिल हो या दिमाग, सब चीज एक ही चीज कहते हैं, बच्चे बूढ़े सब एक कहते हैं कि जीतेंगे तो मोदी जी। आपके ही तो पार्टी के कैडर तो नहीं है, पार्टी से ज्यादा इंसान पसंद है अजय मोदी जी। बिल्कुल, तो देखिए सबकी अपनी बहुत ही खूबसूरत चीज है ये युगल, और वाकई में जनता अपनी बात जिस तरीके से रख रही है, उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा है कि उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति और व्यक्ति का काम, जो कि वो बार बार कह भी रहे हैं। करते रहिए बातचीत, दोबारा से आपके पास आऊंगे। श्रीनिवास नायडू जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीनिवास, जगदलपुर की जनता का जोश कितना हाई है? जी बिल्कुल, बस्तर छत्तीसगढ़ के जो बस्तर सीट है काफी महत्वपूर्ण सीट है और इस सीट में को लेकर प्रशासन ने तैयारी कर दी है। बात करें तो बस्तर संसदीय सीट में लगभग 14.5 लाख मतदाता है जो 19 अप्रैल को अपना भावी सांसद चुनेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर माहौल क्या दिख रहा है? देखिए बस्तर के मामले में जहां तक बात है कि सीधी टक्कर है भाजपा और कांग्रेस में। भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है लेकिन कांग्रेस अभी भी यहां पर घोषणा नहीं की है। प्रथम चरण का चुनाव है इसलिए नेता लोग भी कांग्रेस के परेशान है कि आखिर इतना विलंब आलाकमान क्यों कर रही है। और जहां तक चुनाव की बात है, मोदी लहर तो पूरे देश में दिख रहा है। मेरे को भी लगता है कि बस्तर में, और जो कैंडिडेट इन्होंने फ्रेश कैंडिडेट को दिया है महेश कश्यप को, वो जमीनी नेता है और भले नया चेहरा है लेकिन उसको गांव-गांव में लोग जानते हैं। आदिवासी हित की बात करता है, धर्मांतरण का कट्टर विरोधी है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति, आरएसएस का व्यक्ति है और आरएसएस ने यदि उसका नाम ऊपर पहुंचाया है तो बहुत बड़े निर्णय है। और मैं समझता हूं कि इस बार भाजपा 20 है और कांग्रेस अभी 19 है। कांग्रेस 19 इसलिए भी है, मैं तो बोलता हूं 15 है क्योंकि अभी तक उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया है नाम। सर मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए यहाँ का मेन मुद्दा है रेलवे को मुद्दा लेकर के है। काफ़ी लंबे समय से लोगों को मांग आते रही कि रेलवे का काम अभी जो वर्षों से बंद पड़ी हो दोनों तरफ से शुरू हो। नक्सलवाद चरम पे है उसको लेकर के मेन मुद्दा है यहाँ पे। युवाओं में कितना जोश देखते हैं? जी जरूर, जिस तरह से 2023 में विधानसभा के चुनाव में युवाओं की जो भागीदारी थी, युवाओं और खासकर महिलाओं की जो भागीदारी देखने को मिली थी, उससे निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो नए युवा हैं, जो नए युवा पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। और अभी हाल ही में 3 महीना पहले जिस तरह से विधानसभा के चुनाव सम्पन्न हुए छत्तीसगढ़ में, उससे यह स्पष्ट। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। राकेश यादव राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं। राकेश, राजनांदगांव का तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, यहाँ पर जनता के विचार क्या है, जनता के मुद्दे क्या है? तारीखों का ऐलान क्योंकि हो चुका है तो क्या जनता तैयार है वोट डालने के लिए? राजनांदगांव की जनता तैयार है। राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है और लगभग 18,65,000 से अधिक जो मतदाता है राजनांदगांव लोकसभा सीट में, वो अपने मतदान का उपयोग करेंगे। आइए जानते हैं जनता क्या चाहती, क्या मूड है जनता का। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा। राजनांदगांव संस्कारधानी के मानवंदिर चौकमान को खड़े हैं। सचमुच में राजनांदगांव संस्कारधानी है। यहाँ के जो लोग की जो भावना है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ ही सारा है, क्योंकि देश के 140 करोड़ जनता को देश के प्रधानमंत्री अपने परिवार समझते, परिवार भाव से हर व्यक्ति के काम करते हैं। और आज इससे जो लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बज चुका है, 26 अप्रैल को मतदान होना है राजनांदगांव में, और भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद संतोष पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने एक बड़ा गेम खेला है कि कोई भी कीमत से ऐसे लाभ लिया जाए, इसलिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऐसे टिकट दिए गए। और हम सब जानते हैं कि भूपेश बघेल ने राजनांदगांव कुछ नहीं किया, यहाँ से 4 विभाग को अपने बाहर ले गया। जी ये जनता थी जिनके राय थे। आइए जानते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है कि वो क्या सोचते हैं राजनीति किस करवट बैठेगी, क्योंकि भूपेश बघेल यहाँ चुनावी मैदान पे है। पूर्व में वर्तमान में चुनाव का बिगुल बज चुका है, 26 अप्रैल को राजनांदगांव लोकसभा चुनाव है अन्य लोकसभा चुनाव के समान, और वर्तमान में भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के संतोष पांडे के सामने मुकाबले पे खड़े हैं। इस प्रकार से चुनाव दिलचस्प और हाई प्रोफाइल हो गया है। जातिगत समीकरण जो है और उसका जो फायदा है उससे कांग्रेस को मिलेगा,
और अभी चुनाव की अभी शुरुआत हुई है, दोनों प्रत्याशी अपना जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे दांव पैतरे और बहुत सारी चीज़ें बाकी है। आम जनता अपना जो प्रत्याशी है उसमें से किसको जीतेगी ये अभी भविष्य के गर्भ में है जी। बताएंगे कैसा रहेगा चुनाव रात? देखिए लोकसभा चुनाव है ये, और ये त्यौहार के रूप में मनाया जाना चाहिए, और राजनांदगांव का लोकसभा चुनाव दिलचस्प इसलिए है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पूर्व में हमारे जो प्रत्याशी थे संतोष पांडे उनको पुनः बनाया गया है। और सरकारों में एक बात होती है कि जो सरकार यहाँ पे थी 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से नेस्ट नाबूद किया, और बीजेपी की सरकार जो कमिटमेंट जो अपना वादा करती है उसको पूरा करती है, और 10 साल में मोदी जी ने पूरे अपने वादे जो किए थे, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, CAA कानून हो, या गरीबों के लिए जो योजनाएं, आवास की योजना हो, पेयजल की योजना, सारी योजनाएं, यानी सबका साथ सबका विकास, ये योजना शुरू की है। निश्चित रूप से यहाँ पे मोदी लहर चलेगी, और मोदी लहर के सामने कांग्रेस का कोई भी नेता आ जाए, किसी बड़ा नेता आ जाए, कोई यहाँ वजूद नहीं है, यहाँ से जीतेंगे बीजेपी। ये थी यहाँ की जनता जो लगातार जो बातें सामने आ रही हैं। हाई प्रोफाइल सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं वो चुनावी मैदान पे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनांदगांव सीट है उस पे पूरी प्रदेश की नजर है। हमारे साथ जुड़े हैं सूरजपुर से, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। वरुण राय, सूरजपुर में जनता कितनी तैयार है वोटिंग के लिए? देखिए अंशिका, कल आदर्श आचरण संहिता लागू होते के साथ ही लोकतंत्र का महापर्व का आगाज हो गया है। ऐसे में लोग जो है, खासकर न्यूज 18 के माध्यम से भी लगातार वो बने हुए थे, जो आदर्श आचरण संहिता है, कब चुनाव की तारीख का ऐलान हो रहा है, कितने तारीख को चुनाव होगी, वो सब पे निगाहें टिकी हुई थी। ऐसे में हमारे साथ आम मतदाता भी मौजूद है, हम इन्हीं से जानते हैं कि कितने तैयार हैं वो। आप इधर आ जाइए भैया, क्या लगता है कि अब तो लोकतंत्र का महापर्व, कितने तैयार हैं मतदान को लेकर? भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, और मेरे को लगता है कि इस लोकतंत्र परिवार में सभी पे हर्ष व्याप्त है कि उनको पुनः मतदान करने का मौका मिलेगा और एक स्वस्थ और समृद्ध सरकार बनने का एक मौका देगी सभी राजनीतिक दलों को, जिसमें अब हमारा देश आगे बढ़ पाएगा और विकसित हो पाएगा। क्या लगता है कुछ मुद्दे होंगे जब आप जाएंगे इस बार लोकसभा के मतदान के लिए? देखिए मुद्दे तो सबसे ज़्यादा बड़े हैं बेरोजगारी आजकल देश में ज़्यादा बढ़ी हुई है, और जो आम जन हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको दिक्कतें हैं, सरकार को इन पर ध्यान देना पड़ेगा, और अगर ये सब चीज़ों को ध्यान देख लेकर चलेगी तो एक समृद्ध और विकसित देश का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। हमारे साथ युवा भी है अंशिका, क्या लगता है कि अब तो मतदान की तैयारी, आदर्श आचरण संहिता लागू हो गया है, कितने तैयार हैं आप लोग? हम लोग बेसब्री से तो हम लोग इंतजार कर रहे थे इस चीज़ का, इसमें 3 चरणों में चुनाव होना है, तो आप लोग कितने तैयार हैं, यूथ क्या चाहती है? हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर, और बस शांतिपूर्ण चुनाव हो और अच्छे ढंग से हो, बस यही कामना करते हैं, उम्मीद है हम लोग का। आप क्या बताएंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे भैया सरगुजा में? खासकर इधर आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए, सरगुजा में क्या कुछ मुद्दे आप देखते हैं? आप तो पहले से यहाँ देख रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार के लोकसभा में? देखिए महोदय, मुद्दे के विषय में तो नहीं बोल पाऊंगा कि क्या मुद्दे हो सकते हैं, पर मैं आम जनता ये चाहूँगा कि निष्पक्ष अपना मतदान करें, और न ही कोई लोक लुभावने में फंसें, अपने मत का प्रयोग सोच विचार कर करें और सही सरकार चुने। देख सकते हैं अंशिका की सरगुजा जो सीट है। ठीक है वरुण, दोबारा से आपके पास आऊंगी। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, रायपुर में तीसरे चरण में चुनाव होंगे, क्या तीसरे चरण तक जनता ने सोच रखे हैं कि उनके मुद्दे के हिसाब से वो वोट डालेंगे या वो चेहरे के हिसाब से वोट डालेंगे, क्या है जनता के दिमाग में? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के जो जनता है, जो लोग हैं, काफ़ी जागरूक हैं, और ये बात तो कहा जा सकता है कि राम मंदिर का जब निर्माण हुआ, उनका जो उसके बाद से जो हिंदुत्व है, हिंदू जो वर्ग हैं, वो पूरी तरह से संगठित नजर आ रहे हैं, जिससे पहले भी हमारे जो लोग थे वो बता रहे थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, वो अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दे रहे हैं। हम बात करेंगे सर, बताएंगे चुनाव को लेकर कितने तैयार हैं, क्या लगता है आपको, राम मंदिर का मुद्दा काट करेगा? राम मंदिर का मुद्दा तो है ही है, पर जिस प्रकार से भाजपा गवर्नमेंट का जो काम दिख रहा है पिछले 10 सालों में, तो ऐसा लग रहा है कि 2029 में भी भाजपा ही आएगा, और वैसे भी बाकी विपक्ष के पास कोई ऐसा ठोस उम्मीदवार बचा नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे पाएगा। तो 2029 राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, क्या उनका प्रतिसाद उनको नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, पर राहुल गांधी जी अभी इतना
कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे कि वो इस बार का इलेक्शन जीत पाएंगे। तो आप लोग वोटिंग को लेकर कॉन्फिडेंट हैं? हाँ, वोटिंग को लेकर कॉन्फिडेंट है बिल्कुल। तो देखिए और भी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो आइए, और भी लोग हैं, हम बिल्कुल बात करने का प्रयास है वो करेंगे। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। सर, चुनाव है, किस तरह से है आप लोग, कितना तैयार है? चुनाव के लिए तो हम पूरी तरह तैयार है। क्या लगता है रुझान अभी क्या कहता है, हालांकि कांग्रेस ने प्रत्याशी तो नहीं चुने? नहीं, वो तो बीजेपी ही जीतेगा, मोदी के रहते दूसरा कोई नहीं जीत सकता। राहुल गांधी जी भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनका मेहनत का मतलब ही नहीं है ना, उनको क्या दूध का लीटर और किलो का पता नहीं है। तो देखिए, स्पष्ट ये कहा जा रहा है कि रुझान है, झुकाव है, खास करके मोदी एक बड़ा चेहरा है और वो एक बड़ा जो लोगों के लिए फैक्टर है। और जब हमने सवाल पूछा है कि कांग्रेस मेहनत, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। तो ये साफ कहा जा सकता है कि लोगों का रुझान जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के जो उनका जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसके बाद जो हिंदुत्व है। संवाददाता का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, वहां पर जनता के विचार भी बताने के लिए बहुत शुक्रिया सभी का। एक नजर डालेंगे टॉप 20।